नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो धीरज कुमार जी द्वारा निर्मित टीवी सीरियल ओम नमः शिवाय के ऊपर। इस वीडियो की डिमांड काफी दिनों से हो रही थी। हमारे बहुत से दर्शकों ने ईमेल पर, व्हाट्सएप पर हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम 1997 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल ओम नमः शिवाय के ऊपर भी वीडियो बनाएं। दोस्तों, 90 के दशक तक पहुंचते पहुंचते भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री काफी सुदृढ़ अवस्था में पहुंच चुका था। 80 के दशक के अंत में टीवी पर प्रसारित धार्मिक सीरियल रामायण और महाभारत की अपार सफलता ने फिल्म निर्माताओं के समक्ष एक नया अवसर पैदा कर दिया था। ऐसे में एक नाम और निकलकर सामने आया, धीरज कुमार का। 1997 में इन्होंने अपनी पत्नी जूबी कोचर के साथ मिलकर ओम नमः शिवाय सीरियल का निर्माण किया। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में इस धारावाहिक ने नए कीर्तिमान रचे। इस सीरियल का निर्माण हिंदी भाषा में हुआ, साथ ही साथ इसे 8 अलग अलग भाषाओं में भी डब किया गया। विदेशों में भी इस सीरियल की काफी प्रशंसा हुई। वैसे तो आज इस सीरियल को बने हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं, फिर भी इसका प्रसारण भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी हो रहा है। बात करें इस सीरियल के किरदारों की, तो इसके सभी किरदार दर्शकों को काफी पसंद आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो पात्र लोगों के दिलों में बसा वो था भगवान शिव का। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सीरियल भगवान शिव के महिमाओं पर ही आधारित था। ये पहला मौका था कि शिव जी के ऊपर अलग से कोई धारावाहिक का निर्माण किया जा रहा था। इससे पहले रामायण और कृष्णा सीरियल में विजय कविश जी शिव जी के किरदार को निभा चुके थे। ओम नमः शिवाय सीरियल में दो लोगों ने शिव का किरदार निभाया, पहले रहे समर जय सिंह और दूसरे राणा यशोधन सिंह। सबसे पहले बात करते हैं समर जय सिंह की। समर जय सिंह का जन्म हुआ 26 सितंबर 1966 को मध्य प्रदेश के इंदौर में। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये फिल्मों में अभिनय का सपना लेकर मुंबई चले आए। पहली बार में ही इन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी और इन्होंने प्रकाश मेहता के टीवी सीरियल सम्राट अशोक में अशोक की भूमिका निभाई। ये सीरियल 1992 में प्रसारित हुआ था। बड़े पर्दे पर इन्हें पहली बार मौका मिला फिल्म ए लिटिल बार में। 1997 में इन्होंने धीरज कुमार के टीवी सीरियल ओम नमः शिवाय में भगवान शिव का किरदार निभाया। तुम्हारा ये तीव्र वेग तुम्हारे अहंकार का परिचय दे रहा है गंगा, इसे नष्ट करना ही उचित होगा। अपनी शक्ति और वेग के अभिमान में अपना उद्देश्य भी भूल गई तो अब पड़ी रहो सदा सदा के लिए मेरी जटाओं में। अभिमान टूटे तब तक वहीं विश्राम करो। और शिव के किरदार को निभाकर ये लोगों के नजर में आए। इस किरदार में ये इतने प्रसिद्ध हुए कि बाद में अन्य टीवी सीरियल्स जैसे विष्णु पुराण, माँ शक्ति आदि में इन्हें शिव की ही भूमिका मिली। इसके अलावा इन्होंने 1997 में चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्मित टीवी सीरियल एक और महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाई। ओम नमः शिवाय टीवी सीरियल में बाद में इनकी जगह राणा यशोधन सिंह को चुना गया। उस दौर में एक ट्रेंड ये था कि किसी धार्मिक सीरियल में काम करने वाले कलाकार को लोग उसी रूप में दिलो दिमाग में बसा लेते थे जिस किरदार में उसको प्रसिद्धि मिली रहती थी, और इसके बाद उस कलाकार का करियर ढलान पर आ जाता था। हालांकि अब ऐसा नहीं है, आज के कलाकार हर तरह की भूमिकाएं कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ समर जय सिंह के साथ। बाद में इनको फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं मिलनी शुरू हो गईं। गदर एक प्रेम कथा, पिंजर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अपने, एक था टाइगर, हीरोपंथी, हसीना पारकर जैसी फिल्मों में ये नजर आए। इस समय समर जय सिंह बतौर एक्टिंग कोच भी काम कर रहे हैं और मुंबई में एक एक्टिंग स्कूल चला रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट के जरिए वो उन युवाओं को एक्टिंग में ट्रेनिंग दे रहे हैं जो फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपना करियर बनाने का सपना लेकर मुंबई आते हैं। समर जय सिंह ने इस एक्टिंग इंस्टीट्यूट की नींव 2005 में रखी और तभी से वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। बात करते हैं राणा यशोधन सिंह की। समर जय सिंह को जब ओम नमः शिवाय सीरियल से छुट्टी दी गई तो उनकी जगह राणा यशोधन सिंह को रखा गया।
राणा यशोधन सिंह शिमला से हैं, वर्तमान समय में ये मुंबई में रहते हैं। इनके करियर की शुरुआत ओम नमः शिवाय सीरियल से हुई थी। इसके बाद ये कई अन्य टीवी सीरियल्स और फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं में दिखे। इसके अलावा इन्होंने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया। अभी ये फिल्म जगत में सक्रिय हैं, देश विदेश में आयोजित होने वाले एपिक प्लेज में हिस्सा लेते हैं। देवी पार्वती, वातावरण के साथ उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। किंतु स्वामी, आप स्वयं कहते हैं कि अचानक परिवर्तित हुआ वातावरण आने वाली स्थितियों की सूचना देता है। हाँ देवी, यह परिवर्तित वातावरण भी एक शुभ सूचना लेकर उपस्थित हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। हमारा उद्देश्य कुछ ऐसे ही भूले बिसरे कलाकारों की जानकारी आप तक पहुंचाना है जिन्हें अक्सर आप गूगल पर सर्च किया करते हैं। हमारा कार्य अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।